नमस्कार दोस्तों, मुसाफिर की डायरी में आपका स्वागत है। आज हम और हमारी बहनें जाने वाली हैं अपने गांव के आम के बगीचे में, जहां जाकर हमारे बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। शाम के समय का यह सुहाना मौसम, हरे भरे पेड़ पौधे, मीठे आम की खुशबू और गांव की रवानी की मस्ती भरी जिंदगी आपको जरूर पसंद आएगी। इस वीडियो में हम आम के बगीचे को घूमने वाले हैं और मस्ती भरे पलों का आनंद लेते हुए अपने बचपन को फिर से जीने वाले हैं। आम के बगीचे घूमने के बाद हम अपने ग्राम देवी के दर्शन भी करने वाले हैं, जो कि हमारे आम के बगीचे के पास में ही है। वहाँ एक तालाब भी है जहाँ हम थोड़ी मस्ती करेंगे और गांव के जीवन को करीब से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर और मिलते हैं आम के बगीचे में। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। तो चलिए चलते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने आम के बगीचे में। देखिए ये हरे भरे पेड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ की शांति और हरियाली कमाल की है। आप देख सकते हैं आम के बड़े बड़े पेड़ हर तरफ हैं और हर पेड़ पर आम लटक रहे हैं। बगीचे में पहुंचते ही देखिए कैसे मेरी बहन हर बार की तरह पेड़ की टहनी पर झूला झूलने के लिए एक्साइटेड हो रही है। यह दृश्य सच में दिल को छू जाता है। जरा देखिए इन पेड़ों पर कितने सारे आम लगे हुए हैं। आम के बगीचे का यह मनमोहक दृश्य जहाँ पेड़ आमों से लदे हुए हैं, हर तरफ हरे हरे पत्तों के बीच में झूलते हुए ये हरे हरे आम दिख रहे हैं, यह नजारा काफी खूबसूरत है। ठंडी चलती हवाएं इन पेड़ों को झूला झूला रही हैं। इन हवाओं की महक और आम के पेड़ की शोभा दोनों मिलकर अनोखा अनुभव देते हैं। यह बगीचा सिर्फ पेड़ों का ही नहीं बल्कि यादों का भी संग्रह है, हमारे बचपन की यादें। यहाँ मैं पत्थर मारकर आम तोड़ने की कोशिश में लग गई और ये देखो मुझे आम मिल भी गई। मैं और मेरी बहन पेड़ों से पके आम तोड़ने में लग गई। पेड़ों से ताजे आम तोड़ने में हमें काफी मजा आ रहा था और हमारे बचपन की यादें भी ताजा हो गईं। आम की मिठास, पुराने दोस्त, वो मस्ती, वो मासूमियत, सारी यादें ताजा हो गईं। देखो हमने आम तोड़ लिए हैं और अब हम इन मीठे रसीले आमों को खाने वाले हैं। अपने बगीचे से ताजे रसीले आम को बगीचे में जाकर खाने का अलग ही मजा है। इस सुकून भरी शाम में इन रसीले आमों को अपने हाथों से तोड़कर उनका स्वाद लेना ऐसा लगता है जैसे बचपन के दिन वापस आ गए हों। जब हम आम खा रहे होते हैं तब यहाँ हमारे मालिका का हमारे लिए पानी लाते हैं। मालिका का ये प्यार, आम का स्वाद, बगीचे का ये सुकून, सब कुछ कितना अनमोल है। ये पल, ये दृश्य, ये यादें, सब कुछ इतना प्यारा है कि मन करता है बस ये लम्हे हमेशा के लिए थम जाए। बगीचे में एंजॉय करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं ग्राम देवी के दर्शन करने, जो हमारे बगीचे के पास में ही है। रास्ते में ये हरे भरे पेड़ पौधे कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं। इनकी हरियाली मन को एक अलग ही शांति और सुकून दे रही है। यहाँ देखिए दो बच्चे बकरियों को लेकर जा रहे हैं और काफी हैरानी से हमें देख रहे हैं। उनके चेहरे पर सवाल भरे एक्सप्रेशन है, जैसे कि वो सोच रहे हैं ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Thank you.
अभी हम पहुंच चुके हैं अपने ग्राम देवी के स्थान के पास। तो सबसे पहले चलकर हम देवी माँ के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। इसी के साथ हमारे हृदय में एक नई उमंग और श्रद्धा का एहसास हो रहा है। ये है हमारे ग्राम देवी के पास विशाल पीपल का पेड़, जो ठंडी चलती हवाओं में लहरा रहा है, और पास में ही एक प्यारा सा तालाब भी है। चलते हैं यहाँ के तालाब के पास। ये देखो, यहाँ आकर हमें क्या दिखा? पानी में बैठी भैंस, जो गर्मी से राहत के लिए पानी में डुबकी लगाए बैठी है। पानी में बैठी भैंस भी शाम के सुकून का आनंद ले रही है। इसे देखकर हमें तो कहावत याद आ जाता है, गए भैंसिया पानी में। अभी भैंस के मालिक उसे बाहर निकालने जा रहे हैं, क्योंकि शाम का समय हो चुका है और उन्हें भी अपने घर जाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे भैंस के मालिक उसे पानी से बाहर निकालते हैं। आप भी देखिए और इंजॉय कीजिए। आओ इनको के ले जा। काफी इंजॉय करने के बाद अब हम भी अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। यह सफर हमारे लिए अनमोल अनुभव था, जिसे हमने आपके साथ बांटने का प्रयास किया। गांव की शांति, प्रकृति की सुंदरता और आम के बगीचे की मस्ती ने हमारे दिल को छू लिया। हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।